हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे लेप्रोसी। लेप्रोसी क्या होता है, उसको बोलते हैं एंसन डिसीज़। एंसन डिसीज़ तो कब मनाते हैं, मतलब लेप्रोसी डे। लेप्रोसी डे जो होता है हम 30 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे हो जाएगा 30 जनवरी, और उसको बोलते हैं, दूसरा नाम जो है उसका हैंसन डिसीज़ है, और हैंसन डिसीज़ हो जाएगा, और उसको बोलते हैं सोशल डिसीज़ भी, ठीक है। हैंसन डिसीज़ या सोशल डिसीज़। लेप्रोसी का अदर नेम क्या है, हैंसन डिसीज़, और उसको बोलते हैं सोशल डिसीज़। और वर्ल्ड लेप्रोसी डे 30 जनवरी को मनाते हैं। इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोई होता है। और जो लेप्रोसी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोई। ये जो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है, माइक्रोबैक्टीरियम। उसका जो शेप होता है रॉड शेप होता है, लाइक ऐसे रॉड की तरह, और इसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। ये होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो जो होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट मतलब कि स्नीजिंग, कफिंग, कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से होता है। और जो इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो डैप्सोन होता है। जब लेप्रोसी हो जाता है किसी पेशेंट को तो हम उसको डैप्सोन देते हैं। ये होता है, तो हम रिवाइज कर लेते हैं। लेप्रोसी का दूसरा नाम है हैंसन डिसीज या सोशल डिसीज। और इसका जो वर्ल्ड लेप्रोसी डे होता है 30 जनवरी होता है। इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोई है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। इसका जो शेप होता है रॉड शेप होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो हो जाएगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमनली जो होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। और इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है डैप्सोन का।